सिरकोनी से बदलापुर का है, बहुत ही एक्सीडेंट प्रोन है, जानलेवा है। हर हफ्ते में 5 से 10 मौतें हो जाती हैं। किसान एक तरफ का, दूसरी तरफ कैसे जाएगा अपना ट्रैक्टर लेकर के खेती करने। लड़के लड़कियां, स्कूल के बच्चे और आम पब्लिक कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ पार करेंगे। तेज रफ्तार से आने वाले गाड़ियां उनको रौंद जिनका पता भी नहीं लगता, क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं। तो ये जो सड़क जनता की सुविधा के लिए बनाई गई है, वो जौनपुर के लोगों के लिए और खास तौर से उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए एक जानलेवा मौत की सड़क साबित हो रही है। श्याम सिंह यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद है महोदय जी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731 बनारस से लखनऊ, जो हमारे जौनपुर से होकर गुजरता है, नेशनल NHAI ने बहुत अच्छी सड़क बनाई है। माननीय गडकरी जी अच्छा काम करते हैं, तो उनके सड़क की गुणवत्ता पर सवाल नहीं है। यहाँ सवाल यह है कि उसका एक स्ट्रेच जो सिरकोनी से बदलापुर का है, बहुत ही एक्सीडेंट प्रोन है, जानलेवा है। हर हफ्ते में 5 से 10 मौतें हो जाती हैं। क्या कारण है इसका? न अंडरपास बना है, न ओवरब्रिज बना है। तो किसान एक तरफ का, दूसरी तरफ कैसे जाएगा अपना ट्रैक्टर लेकर के खेती करने। लड़के लड़कियां, स्कूल के बच्चे और आम पब्लिक कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ पार करेंगे। और पार करते ही तेज रफ्तार से आने वाले गाड़ियां उनको रौंद देती हैं, जिनका पता भी नहीं लगता, क्योंकि वहां CCTV कैमरे भी नहीं है। तो ये जो सड़क जनता की सुविधा के लिए बनाई गई है, वो जौनपुर के लोगों के लिए और खास तौर से उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए एक जानलेवा मौत की सड़क साबित हो रही है। मेरा आपके माध्यम से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि उस पर तेज रफ्तार से जाने वाली गाड़ियों के लिए CCTV कैमरे लगवाए जाएं, क्योंकि वो रौंद के चला जाता है और उसका पुलिस या कोई पता भी नहीं कर पाता है कि क्या नंबर था, कौन सी गाड़ी थी। अंडर पास और ओवर ब्रिज बनाए जाए और दोनों तरफ जानवर एक तरफ से दूसरी तरफ न जाए, जिससे अकस्मात सामने आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। वायर लगाया जाए, फेंसिंग की जाए और उस पर कुछ इमरजेंसी सर्विसेज का भी इंतजाम किया जाए जी। और रेगुलर पुलिस पेट्रोलिंग तो होनी चाहिए, लेकिन अब वो दूसरे से बताऊंगा कि पुलिस का वहाँ क्या हाल है जौनपुर में, लेकिन वो पुलिस पेट्रोलिंग ना के कुछ और करती रहती सब है। सब बातें शून्य प्रहर में नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि मेरी इन बातों पर गौर किया जाए और अंडरपास और ओवरब्रिज बहुत जल्दी से जल्दी बना के लोगों की जान को खतरे से बाहर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।